नमस्कार फ्रेंड्स, आज बिजनेस का एक वो हस्ती कि जो इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं और वो जो सेमिनार आयोजित की गई है खासकर टाटा में, वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो आज बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एके राय जी जो एनकॉन कंपनी के एमडी हैं और इस कंपनी के थ्रू बहुत सारे ऐसे इनोवेशन जो कि मिराकल है, आने वाले दिनों में जब हम एआई से जूझ रहे हैं, रोबोटिक्स से जूझ रहे हैं, उस वक्त ऐसे ऐसे इनोवेशन जो हमारे लाइफ स्पैन को, हमारे ज़िंदगी जीने के तरीके को और टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा बूस्ट और बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, आप की टेक्नोलॉजी किस किस सेक्टर में काम कर रही है और उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहले तो मैं आपका आभार मानना चाहूँगा कि आप ऐसे एग्जीबिशन को भी न्यूज़ मीडिया कवर करता है, जो कि मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है। और मुझे अच्छा लगा कि मीडिया कुछ देश की प्रगति और इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में भी जिज्ञासा रखता हो। तो हम लोग पिछले 36 सालों से एनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे जाने जाते हैं। हम लोग, हमारे जो कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर आर के शर्मा, जो कि इसके सीएमडी भी हैं, उन्होंने एक ऐसा नया प्रोडक्ट डेवलप किया कि एनर्जी सेविंग पे कुछ काम किया जाए। और हम लोग कूलिंग टावर, जो कि हर इंडस्ट्री में, हर वॉक ऑफ लाइफ में कूलिंग टावर्स लगते ही लगते हैं, चाहे वो स्टील प्लांट हो, रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल हो, पावर इंडस्ट्रीज हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पे भी आप जाएँ, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हो, उसमें कूलिंग टावर्स लगते हैं। और उसका जो हार्ट ऑफ द कूलिंग टावर होता है वो फ़ैन होता है। तो हम लोग स्पेशलिटी फ़ैन बनाते हैं, जिससे कम से कम 20% एनर्जी का कॉस्ट हम कंजम्पशन कम करते हैं। और इस प्रोडक्ट द्वारा एक साल के अंदर इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो रिटर्न होता है। इसकी लाइफ कम से कम 20 सालों तक गारंटी चलती है, विदाउट एनी लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, विदाउट एनी वेरेंट है। अब तक हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख फ़ैन पूरी इंडस्ट्री में, दुनिया में, भारत के अलावा 45 देशों में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें रिप्लेस कर चुके हैं। एक कहावत हम अपनी माँ से सुनते थे कि भाई, दुनिया में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले भविष्य में, कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ वाटर। और वो यहाँ तक कहते थे कि पानी पे शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पानी और बिजली की खपत इतनी बढ़ गई है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। और मदर नेचर जो है उसके पास लिमिटेड सारे संसाधन है, जिसका कि पिछली पीढ़ी ने नहीं, लेकिन हमने और हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, कई चीज़ों के चलते। तो हमारी इंडस्ट्री ने ये शुरुआत की कि हम कैसे बिजली को बचा सकते हैं। तो हमने ये नायाब इनोवेटिव स्पेशलिटी फ़ैन डेवलप किया। आज हम बेस्ट स्पेशलिटी फ़ैन के नाम पे जाने जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे प्रमोटर ने कोविड के दरमियान में कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी को इस फैन में इंट्रोड्यूस किया, जो कि दुनिया में केवल एनकॉन ही ऐसी कंपनी जो कि कार्बन फाइबर ब्लेड्स बना रही है, और जिसको आज यहाँ टाटा स्टील में काफ़ी सराहा गया है। उनके हेड ऑफ इंजीनियरिंग, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस आज सवेरे आके हमें बहुत प्रोत्साहित किए हैं और कहें कि हमें इसको जितनी जल्दी हो सके टाटा स्टील में इंट्रोड्यूस करना है, ताकि हमारी बिजली की खपत कम हो सके, ताकि हमारे जो मेजर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो रॉ मटेरियल में जाते हैं, उसको हम इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी ढंग से प्रोड्यूस कर सकें। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का एक नया एडवांटेज यह है कि ये नेट कार्बन जीरो फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस रॉ मटेरियल से हम इस ब्लेड को बनाते हैं, पंखे को बनाते हैं, वो सारे कार्बन फ्री हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इस ब्लेड को बनाने का, वो भी सोलर पावर प्लांट से चलता है, उसमें भी कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। तो ये एक विशेष इसकी उपलब्धि है, जिसके बेसिस पे हमें यूरोप और अमेरिका से भी काफ़ी तादाद में ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमारी कंपनी को एक अच्छी इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। तो मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर की जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतर इनोवेशंस और प्रोडक्ट इनोवेटिव आइडिया से आप बिजली के कंजम्पशन को, एनर्जी कंजम्पशन को जितना कम करेंगे, शायद वो बेटर होगा हमारी अगली पीढ़ी, हमारी अगली जनरेशन को एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा एनवायरनमेंट देके जाने के। फ्रेंड्स, एक कार्बन फाइबर ब्लेड है, और यही ब्लेड जो कि चॉपर में, खासकर एविएशन इंडस्ट्री में बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बड़ी होती है
और इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। दूसरी बात कि ये खासकर मेडिकल साइंस में भी अब बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला विषय वस्तु है, प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, आज के समय में जो भी इंडस्ट्री काम करती है इनकॉन की तरह, वो खासकर इंडिया के उस इकोनॉमी को फर्स्ट इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है, और उसी भूमिका को, उसी रोल को प्ले करते हुए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट में इनकॉन बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई देती है, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे बिजनेसमैन जो हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ। I think we see benefits in this. Now we have to make it sustainable, the journey towards the energy. The energy transition is an important part of it. I'm confident about it.